हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी लोग ये चीज बार बार पूछते हैं कि हमारा स्टेटस वेरीफाई कब होगा। तो उसको लेकर के सीधा ऑफिशियल अपडेट समाज कल्याण विभाग से अपडेट आई है और आप तक वो मैं अपडेट पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैंने अभी 2-3 घंटे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि आप लोगों का जो स्टेटस है वो 10 मार्च तक आपका वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने समाज कल्याण विभाग में मैंने ऑलरेडी बात कर रखी थी इस बारे में। लेकिन उसको लेकर एक न्यूज़पेपर में भी एक जो है एडिटोरियल आया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को फिलहाल मैं स्टार्ट करूं, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट चाहते हैं तो तुरंत के तुरंत आप इस टॉपर्स इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर की एक अपडेट आई है और इसमें लिखा है कि छात्रवृत्ति के आवेदन लंबित होने से छात्र हो रहे परेशान। इसी में समाज कल्याण निदेशक ने एक जवाब दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। यहां पर बताया गया कि जिला स्तर पर छात्रवृत्ति के आवेदन लंबित रहने से तमाम छात्र परेशान है। छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर आवेदन का यही स्टेटस दिखा रहा है, यानी कहने का मतलब है जो स्टेटस है उनका दिखा रहा है और वो स्टेटस अभी बदल भी नहीं रहा। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे छात्र हैं जिनके स्टेटस में पेंडिंग दिखा रहा है, बाकी जिनका तो करेक्शन करना था, जिन्होंने करेक्शन किया उनका तो 17 फरवरी के बाद से करेक्शन का जो स्टेटस है वो बदलेगा, लेकिन फिलहाल जिनका पेंडिंग दिखा रहा है उनका स्टेटस बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, 3 फरवरी 4 फरवरी 5 फरवरी ऐसे ही बदल रहा है। फिलहाल यहां पर बताया गया है कि छात्र जिला स्तरीय अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं पर वहां उन्हें कोई समुचित जवाब नहीं मिल पा रहा। आप लोगों ने भी ये चीज देखा होगा, मैंने एक पर वीडियो भी बनाई थी कि कोई जवाब देने को रेडी नहीं है, चाहे आप DWO की बात करें चाहे फिर आप लोग बात कर लें किसी भी इंस्टीट्यूट की। यहां पर लखनऊ में रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज के बीटेक के छात्र विवेक की छात्रवृत्ति के आवेदन का स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। इसका कारण हाईस्कूल का रोल नंबर मैच ना होना बता रहा है। विवेक ने करीब महीने भर पहले इस खामी को दुरुस्त करने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर में अर्जी दी थी, तब से लेकर कई बार वे वहां जा चुके हैं लेकिन उनका स्टेटस अब भी पेंडिंग दिखा रहा है। इसी तरह और भी बहुत सारे कॉलेजों की यहां पर बात की गई है कि पेंडिंग दिखा रहा है। इस बारे में यहां पर आप ये देख लीजिए, लिखा है कि इस बारे में समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने के अनुरोध से बताया कि ऐसा 2 वजहों से हो सकता है। एक, NIC से संबंधित डाटा जिला समाज कल्याण अधिकारी को अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया हो। दूसरा, जिला स्तर पर समस्या का निस्तारण ना किया जा रहा हो। यानी 2 चीजें हो सकती हैं जिससे आप लोग का पेंडिंग दिखा रहा है। यहां पर बताया गया है, एक तो यह बताया गया कि हो सकता है कि आपका जो डाटा है वो अभी NIC से जो संबंधित जिला है यानी जिस जिला का वो छात्र है वहां पर ट्रांसफर न किया गया हो, और दूसरा रीजन इन्होंने बताया कि या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी उस समस्या का निस्तारण न किया गया हो। ये 2 रीजन इन्होंने बताया और उन्होंने ये बताया है कि इस बारे में समाज कल्याण निदेशक पवन कुमार का कहना है, यहां पर पवन कुमार जी का नाम भी दिया गया है, कि जिला स्तर पर लंबित मामलों को दूर करने के लिए 10 मार्च तक का समय निर्धारित है। आप देख सकते हैं मैंने फिलहाल जब अभी पहले वीडियो बनाई थी तब भी मैंने कहा था कि 10 मार्च तक आपका निस्तारण हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है DWO ऑफिस गया था और वहां पर मुझे सूचना मिली थी कि 10 मार्च तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, कंफर्म है इस चीज को। तो फिलहाल अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए एकदम ऑथेंटिक जो सीधा DWO ऑफिस से निकल के आए, समाज कल्याण विभाग से निकल कर आए, तो आप इस चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें। और एक नाराजगी आप लोगों से है छोटी सी कि आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियो को, थोड़ा शेयर कर दिया करें जिससे जो लोग जिनको नहीं इंफॉर्मेशन सही मिल पाती उन लोगों को सही से इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो वीडियो को आप जरूर शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए मस्त रहिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।